बताएं अपना नाम, बताएं पहले क्या नाम है पूरा। सर सर मेरा नाम काशिफ है और मेरी शादी हुई है सर लास्ट ईयर थोड़ा सा जून। रुक जाओ यार, रुक जाओ, शादी के बाद में आएंगे, पहले बताएं अपना पूरा तारुफ कराएं पूरा, कहाँ पर हैं, कौन से शहर में हैं। सर मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश की एक टाउन से सर बिजनौर। उत्तर प्रदेश में तो काफी सारे टाउन हैं, कौन सा शहर है, तहसील कौन सी है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। सर डिस्ट्रिक्ट बिजनौर तहसील चांदपुर है सर। ठीक है, बिजनौर। मैं बिजनौर से वाकिफ है, मेरे एक स्कूल में एक लड़का पढ़ता था, वो बिजनौर का था, और आजकल मैं उसको बहुत दिनों से ढूंढ रहा हूँ। उसका नाम था अजय अग्रवाल, हो सकता है कि इस YouTube वीडियो को शायद कभी देख ले तो उसको मेरे बारे में याद आ जाए। अजय अग्रवाल बहुत ही एक मेरा क्लोज फ्रेंड था, और पढ़ने में बहुत ही अव्वल दर्जे के उसके मार्क्स आते थे, और मेरे को पता है वो बिजनौर का रहने वाला है। तो बिजनौर से आप कॉल कर रहे हैं, बड़ी खुशी हुई है आपसे बात करके। अब ये थैंक बताएं यू सर। पहले कि आप ये करते क्या हैं, क्या व्यवसाय करते हैं, क्या धंधा करते हैं, क्या जॉब करते हैं, आप क्या करते हैं। सर मैं बिजनेस करता हूँ सर। मेरा बिजनेस है यहाँ पर बैंक्वेट हॉल है सर मेरा, और मेरा लकड़ी का भी काम है। अपनी क्या दुकान वगैरह है, जैसे क्या कंपनी बना नहीं रखी। सर मैन्युफैक्चरिंग है सर, हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। मैन्युफैक्चरिंग है, और ठीक है, काफी साल से। यस सर काफी साल से। अच्छा, शादी को कितने साल हो गए, शादी सर लास्ट ईयर हुई है 2019 में कौन से महीने में। जून में सर। ओके, सो जून से लेकर अभी तक वी आर लुकिंग एट व्हाट, हाउ मच इज, अबाउट 9 months या 10 months। यस सर दस महीने ऑलमोस्ट। ठीक है। इससे पहले आप या आपकी बेगम कहीं विदेश यात्रा करी है आपने कहीं। सर मैं तो ट्रेवल किया है सर, मैंने दुबई और सऊदी। मेरी जो वाइफ है उन्होंने ट्रैवल नहीं किया सर, उनका पासपोर्ट ये भी अभी रिसेंटली बनाया। सही है, सही है। तो ये मैं पूछ सकता हूँ कुछ और थोड़े अहम सवाल इस बारे में, कि ये जो मैरिज हुई है आपकी, ये अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है। सर अरेंज मैरिज है। अच्छा, वाइफ की क्या क्वालिफिकेशन है। आपने कहा कि शायद वो फिजियोथेरेपिस्ट पढ़ा हुआ है। यस सर बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी उन्होंने किया है जामिया हमदर्द दिल्ली से, अच्छा और वहाँ से उनका लगभग 4 साल का उनका एक्सपीरियंस है सर। अच्छा मैं जॉब किया उन्होंने A+। ठीक है। मेरे ख्याल आपका सवाल शायद ये था कि आपका रुख कनाडा की तरफ है, आप कनाडा की तरफ कूच करना चाहते हैं, और वाइफ को एडमिशन मिल गया है या मिलना है। नहीं सर बस सर हम लोग आइल्स की प्रिपरेशन ही कर रहे थे अभी, तो अभी लॉकडाउन हो गया उसकी वजह से थोड़ा सा डिले हो गया। तो सर ठीक है, ये क्वेश्चन था सर कि अगर मास्टर्स में या फिर पीजी डिप्लोमा में इनका एडमिशन अगर वहाँ होता है पब्लिक हेल्थ में या फिर हेल्थ केयर मैनेजमेंट में, तो सर क्या चांसेस हैं कि साथ में वीजा लग पाए हमारा। क्या बात है, वाह। ये बड़ा अहम सवाल है, और कई लोग मेरे से सवाल ये पूछते हैं, और आपको थोड़ा सा आंकड़े बता दूं, मैं आपके आपके सवाल के जवाब पे आऊँगा कुछ सेकंड बाद। इंडिया के जो स्पाउस वीज़े जो लगते हैं, जो जो न्यू दिल्ली हाई कमीशन से पास होते हैं, क्योंकि नॉर्थ के ज़्यादा हैं उसमें न्यू दिल्ली हाई कमीशन से, सो करीब करीब 66 to 70% इसमें रिफ्यूज़ल रेट है। डैट मीन्स के 10 एप्लीकेशन में से 6 एप्लीकेशन रिफ्यूज होती हैं पहले झटके में, पहली बार में, फिर ऑफ कोर्स इट इम्प्रूव्स डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू हैव। उसकी वजह सिर्फ इतनी है, क्योंकि लोगों की शादियां मुकम्मल नहीं हैं, पूरा उनका जो एक हिस्ट्री नहीं है शादी की, इसलिए वो रिफ्यूज़ हो जाती हैं। लेकिन आपके उसमें, आपके परिवेश में, क्योंकि आपकी शादी ऑलरेडी 10 महीने पुरानी हो चुकी है, नंबर 1, और दूसरा आपकी बेगम जा रही हैं हाई लेवल कोर्स में, मास्टर्स डिग्री में जा रही हैं, या पीजी, आई होप शी गोस्ट फॉर अ मास्टर्स इन फिजियोथेरेपी, नॉट अ पीजी डिप्लोमा। उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा। और तीसरी तीसरी जो चीज मैं आप में देख रहा हूँ और आपके बैकग्राउंड में देख रहा हूँ, उससे भी आपको फेवर होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड एक बिजनेसमैन है, काफी साल से आपका बिजनेस चल रहा है, और फंड्स वगैरह आप शो कर सकेंगे,
तो इससे मैं कोई प्रॉब्लम नहीं देखता हूँ कि आपका वीज़ा नहीं लगेगा, और आप हस्बैंड वाइफ इकट्ठे ही एक ही पैकेज में अगर आप साथ साथ करेंगे तो आपका आपका दोनों का वीज़ा लग जाएगा। मेरे पास कई एग्जांपल हैं एक्चुअली, यूट्यूब पे शायद आप सर्च कर लेंगे। पिछले कुछ महीने पहले एक जनाब कॉल कर रहे थे मेरे को हैदराबाद से, और उन्होंने मेरे से 1 साल पहले बात करी होगी, तो वो मेरे को बता रहे थे, इतना दे रहे थे कि उनका वीज़ा लग गया विथ वाइफ एंड बच्चे, उनका बच्चा भी था शायद, 1 या 2 बच्चे भी शेष है, तो तीनों का एटलीस्ट, तीनों का एक ही झटके में पहली बार में सबका लग गया। और मैं कई बार कॉल्स मेरे पास आती हैं दिल्ली से, यूपी से, गुजरात से, पंजाब से, लोग वहां पर मछली की तरह तड़पते रहते हैं कि यार वीजा नहीं लग रहा, वीजा नहीं लग रहा, वीजा नहीं लग रहा। क्यों? वो गलती ये कर बैठते हैं, जो आप आपके उसमें गलती ये होने वाली नहीं है, वो गलती ये कर बैठते हैं कि शादी करते हैं आज और 15 दिन बाद वीजा लगा लेते हैं वो। जी सर, हाँ वो तो सर थोड़ा सा दैट मींस कि उनकी फ्रेश शादी होती है, फ्रेश एक हिस्ट्री होती है, हिस्ट्री उतनी मुकम्मल पूरी हो नहीं पाती, और उनका पहले झटके में वो धराशायी हो जाते हैं, जैसे महाभारत में एक बार चल गया था वो खत्म हो गया, तो वो पहले उनके स्पाउस वीजा खत्म हो जा रिफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आपके उसमें ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि आपकी एक मैरिटल हिस्ट्री है, अबाउट 10 मंथ्स प्लस मैरिटल हिस्ट्री है, और आपकी वाइफ अच्छे कोर्स में जा रही हैं, और ये जो कोर्स करने जा रही हैं उसका जो एक उनका मुस्तकबिल है वो मतलब ऊपर ही ऊपर है, आगे चढ़ने वाला है, क्योंकि फिजियोथेरेपी इज अ वेरी स्ट्रांग इन डिमांड कोर्स इन कनाडा एंड ऑल ऑल वेस्टर्न कंट्रीज। और इस वक्त तो कनाडा को हेल्थ जो वर्कर्स हैं उनकी तो बहुत ही खासी जरूरत है, तो इससे आप दोनों का जो फ्यूचर है इज नथिंग बट ब्राइट। तो आप करें, आपका दोनों का वीजा लग जाएगा। जहाँ तक आपकी जो डॉक्यूमेंट्स की बात है, मैं आपको उस बारे में बता दूं, उसके हवाले से बता दूं कि आप अपने पिछले 1 साल का जो आपका सेविंग्स अकाउंट है और जो बिजनेस अकाउंट है, अलग अलग उनकी एक बैंक स्टेटमेंट तैयार रखें। आप अगर नहीं है तो लिख लें इसको कागज पेंसिल में, अगर नहीं तो आप भूल ना जाए। तो पिछले 1 साल का 12 महीने के आपके जो बिजनेस सेविंग्स अकाउंट है, और सॉरी बिजनेस रेगुलर अकाउंट और आपका पर्सनल सेविंग्स अकाउंट, उसमें कितने पैसे आ रहे हैं, जा रहे हैं, डेबिट क्रेडिट कितने आ रहे हैं, उस पर एक एक करके क्लियर होना चाहिए। दैट्स वन रिक्वायरमेंट। दूसरा, आपको 2 साल की इनकम टैक्स रिटर्न आपका और आपके बिजनेस का जरूर होना चाहिए आपके पास, ठीक है। तीसरा, जितने भी आपके जो बिजनेस प्रॉफिट हैं, इनकम है, वो कैसे जनरेट हो रहे हैं, उसकी कोई रसीदें होंगी, ऐसा कोई बैलेंस शीट होगी, या जो भी कुछ होगा, पता लगना चाहिए कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं, क्या सोर्स ऑफ इनकम है, ना व्हाट इट इज, हाउ मच इज इट। सो दैट मीन्स कि अगर आपको, आई एम जस्ट एज्यूमिंग कि आपको 20,000 या 50,000 की सेल हुई पर मंथ, दैट मस्ट बी शोन इन योर अकाउंट एज अ डिपॉजिट, एज अ क्रेडिट। एज अ वीजा ऑफिसर दे शुड बी एबल टू फाइंड आउट कि वाकई आपकी दुकान जो चल रही है, बिजनेस चल रहा है, उसमें कैसे इनकम रेगुलरली कंसिस्टेंटली आ रही है, ये देखना बड़ा जरूरी है। और जो आखिरी जो रिक्वायरमेंट इसी उसमें लाइन में है कि आपके पास, क्योंकि आपकी वाइफ साथ में जा रही हो, आप जा रहे हैं, वाइफ को तो खर्चा लगना है, इसको यूनिवर्सिटी की फीस देनी है 1 साल की, $10,000 अलग से देने हैं, ये लुकिंग एट क्लोज टू अबाउट $30,000, तो उसका खर्चा वहां से होना है। उसके अलावा आपके पास, मैं समझता हूँ आपके पास कम से कम आइडिया इज क्लोज टू 20,000 आपके पास होने चाहिए। दैट मीन्स के करीब करीब 6 से 8 लाख रुपए आपके पास कैश होने चाहिए, जो पुराने फंड्स हो, ऐसा नहीं कि एक हफ्ते पहले डाल दिए, पूरा पुराने फंड्स होने चाहिए। सो लेट लेट अस समराइज द फंड्स रिक्वायरमेंट। क्लोज टू बोथ ऑफ हस्बैंड वाइफ नीड क्लोज टू अबाउट $40,000, रियल मनी, कैश मनी, नो FD, नथिंग, रियल कैश मनी, द मनी विच दे कैन सी, एंड दे कैन सी अ पैटर्न के मनी आई कहाँ से है। और आपका दोनों का वीजा लग जाना है। सर एक्चुअली मेरी वाइफ है, उन्होंने आपकी वीडियोस देखी हैं काफी, और मुझसे उन्होंने कहा कि सर से बात करिए एक बार। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। आप अगर बात अगर हेलो सवाल पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। सर, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? आई गुड, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर द कॉन्फिडेंस। आपने देखा और आपने उसको अपना अपनी ब्लेसिंग दी। आई अप्रिशिएट योर ओपिनियन ऑन दिस। क्या सवाल है आपका? सर मेरे ये क्वेश्चन है, मैं मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ करना चाहती हूँ, एंड बट एक माइंड में है कि मास्टर्स इन फिजियोथेरेपी कर लूँ, तो
क्या मेरे लिए बेस्ट रहेगा? मेरे हिसाब से, मैं कोई हेल्थ एक्सपर्ट नहीं हूँ, मेरे हिसाब से आपको फिजियोथेरेपी में ज़्यादा आपके जॉब मिलने के और कमाई के और फ्यूचर पोटेंशियल आपका ज़्यादा है उस लाइन में. लेकिन फिजियोथेरेपी में जो लाइसेंस चाहिए, जो एग्जामिनेशन पास करनी है, जो कनाडा में, उसका आप इंडिपेंडेंटली सर्च करो, उसका पता करो कि आप किस हद तक उसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरे कर पाएंगे. जब आपको उसको कर पाएंगे तब आपको लाइसेंस मिलेगा, तब आप फिजियोथेरेपिस्ट किसी क्लिनिक में बन सकते हैं. कई लोग मैंने देखे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, वो फिजियोथेरेपिस्ट करके आए थे वहाँ से, इंडिया से, लेकिन यहाँ का लाइसेंस पास नहीं कर पाए. तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है. तो आप वो उसकी इंडिपेंडेंट रिसर्च आप करो. लेकिन फॉर श्योर फिजियोथेरेपिस्ट में आपको इमिग्रेशन लेना इन फ्यूचर, और उसके बाद अगर आपको लाइसेंस मिल गया तो उसमें कमाई के एवेन्यू ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू पब्लिक हेल्थ. जो पब्लिक हेल्थ का है, पब्लिक हेल्थ में आपको नौकरी किस चीज़ की मिलेगी? पब्लिक हेल्थ में तो ये है कि आप विच आई डोंट नो कि पब्लिक हेल्थ में आप उसमें डेफिनेटली employment potential is limited as compared to physiotherapists, but provided you become licensed. So that is my answer. Okay, thank you so much, sir. Thank you. Take care. Thank you, sir. Take care. Bye-bye.